नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल विषय पर चर्चा करने वाले हैं, राइट। एक डे टू डे एक्टिविटी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले अबाउट द एटीएम्स इन जनरल। तो यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो, आर वाइट लेबल एटीएम्स एनी डिफरेंट फ्रॉम बैंक एटीएम्स। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे ये वाइट लेबल एटीएम क्या होता है। इन जनरल में आपको कितने तरह के एटीएम होते हैं ये भी बताऊंगा, बैंक एटीएम क्या होता है या फिर ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है। हमारा फोकस रहेगा वाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम के बीच अंतर समझने का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चर्चा रहेगी, थोड़ा सा फैक्चुअल रहेगा, लेकिन मैं आपको बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे दूंगा डे टू डे एक्टिविटी के बारे में, जहाँ पे आप हर दिन, मुझे लगता है कि आप एवरीडे एक्टिविटी में एटीएम जाते हो, पैसा विड्रॉ करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो अगली बार जब आप एटीएम में जाओगे तो डू नोटिस वेदर इट इज अ ब्राउन लेबल एटीएम और अ वाइट लेबल एटीएम फॉर श्योर। चर्चा शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल, देखिए ये डिस्कशन बहुत जरूरी रहेगा एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो एक सिंपल क्वेश्चन बनाया गया आपके लिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एटीएम्स इन इंडिया। इन बैंकिंग लिंगो और इन बैंकिंग टर्म्स एटीएम स्टैंड्स फॉर एनी टाइम मनी। ब्राउन लेबल एटीएम्स आर एटीएम्स होली ओन्ड बाय रेस्पेक्टिव बैंक्स। व्हाइट लेबल एटीएम्स आर एटीएम्स ओन बाय प्राइवेट लिमिटेड बट ऑपरेटेड बाय स्पॉन्सर बैंक। तो तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। आई एम रिपीटिंग, कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो कुछ सेकंड्स लीजिएगा, इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा इस सवाल को, और मुझे बताइएगा इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फेल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहेगा स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो @@rahulsai222। इसके अलावा अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू अवेल आवर सर्विसेज। चलिए डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें क्या जानने की जरूरत है, व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है और कितने दूसरे तरह के एटीएम हैं। देखिए ग्रीन लेबल एटीएम होता है यूज फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शंस, ऑरेंज लेबल फॉर ट्रांजैक्टिंग इन शेयर्स, येलो लेबल फॉर ई कॉमर्स, पिंक लेबल फॉर वुमेन बैंकिंग। ऑल दो मैं कहूंगा ये जो चार चीजें हैं उतनी ज्यादा प्रोमिनेंटली आपने देखी नहीं होगी इन इंडिया, बट इट इज इन जनरल प्रीटी एक्टिव एल्सवेयर। बट इंडिया में भी धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो रही है, पिंक लेबल एटीएम्स स्पेसिफिकली फॉर वुमेन बैंकिंग नीड्स। लेकिन हमारी चर्चा का विषय रहेगा ये चीज, व्हाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम क्या है। यहाँ पे आपने देख लिया, ब्राउन लेबल एटीएम वो है जो ओन्ड बाय बैंक है पर इसकी ऑपरेशन चाहिए तो आउटसोर्स किया जा सकता है बाय द बैंक। अब व्हाइट लेबल एटीएम वो है जो कंप्लीटली ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटी होता है, एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होती है, बट उसको एक स्पॉन्सर बैंक जरूर होता है, राइट। स्पॉन्सर बैंक पहले जरूरत पड़ती थी क्योंकि स्पॉन्सर बैंक उसको कैश देना है, राइट, किसी ना किसी को तो कैश देना है। इसके ऊपर हम लोग फिर से अंत में चर्चा करेंगे और दोनों के बीच एक डिफरेंशिएशन जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी हम लोग चर्चा करते हैं व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में और इन दोनों के बीच में अंतर जानेंगे, यानी कि जो बैंक की एटीएम होती है ब्राउन लेबल एटीएम और बैंक एटीएम वर्सेस व्हाइट लेबल एटीएम। अब सबसे पहली चीज, मैंने आपसे कहा कि जब भी आप अगली बार एटीएम जाओ तो ध्यान जरूर देना कि किस बैंक का एटीएम है। अगर आपने कुछ इस तरह के एटीएम कभी देखे हैं जहां पे मुथूट एटीएम लिखा हुआ है, इंडिकैश लिखा हुआ है या फिर इंडिया वन लिखा हुआ है या फिर किसी और कंपनी का नाम है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है एटसेट्रा, तो ये हो गई आपकी प्राइवेट एटीएम्स जिन्हें कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम्स। अगली बार ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर यहां पे किसी बैंक का नाम है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर आपकी आंध्रा बैंक हो गई या फिर कोई और बैंक हो गई, यूनियन बैंक एटसेट्रा, तो उनका लोगो इसके ऊपर जरूर रहेगा। लेकिन इसके ऊपर आप लोगो देखोगे, लोगो कभी कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी का लोगो होता है, तो प्राइवेट एंटिटीज इसको हैंडल कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इज इट अलाउड। बिल्कुल इट इज अलाउड, और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करता है कि नॉन बैंक के एटीएम के जो ऑपरेटर्स है वो कर सकते हैं अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब यहाँ पे अगर मैं एक प्राइवेट एंटिटी, राइट, राहुल सायगांवकर लिमिटेड, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्राइवेट एटीएम्स ओपन करूँ, तो मैं अप्लीकेशन करूँगा आरबीआई को, अप्लाई टू आरबीआई, और आरबीआई मुझे सेलेक्ट करेगी अगर मैं कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड हूँ, साथ ही साथ मेरे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक्सपीरियंस है और मेरा नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा है, तब वो मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन आरबीआई। और ऑलरेडी आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी, टाटा कम्युनिकेशन है, इंडिया वन है, हिटाची है, पेटीएम इज ऑल्सो ओपनिंग इट्स एटीएम्स, तो आपने बहुत जगह पे प्राइवेट एटीएम जरूर देखेंगे, उन्हें कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम्स।
तो अगली बार जहां पे भी किसी बैंक का नाम है एटीएम के ऊपर, वो बैंक का एटीएम होता है, या तो बैंक खुद से ही उसको ऑपरेट करता है या फिर उसके ऑपरेशन को आउटसोर्स करता है। मेजोरिटी क्या होता है, वो खुद ओन करते हैं, ऑपरेशन किसी और को देते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा कहीं पे, अगर आप रोड वगैरह पे जा रहे हो तो आप देखोगे कि कोई एक गाड़ी खड़ी है जो कैश डाल रही है, वो प्राइवेट कंपनी रहेगी, राइट। तो सारा काम बाहर वालों को आउटसोर्स किया गया, बट द एटीएम इज ओन्ड बाय बैंक, इट इज कॉल्ड ब्राउन लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम में सब कुछ प्राइवेट के हाथ में है। अब सवाल ये उठता है, व्हाइट लेबल एटीएम चाहिए ही क्यों सर, क्यों चाहिए व्हाइट लेबल एटीएम? देखिए, हम जानते हैं कि बैंक्स को जनरली एटीएम अगर रन करना है तो उन्हें जगह को ओन करना पड़ेगा। एक जगह को ओन नहीं किया तब भी रेंट तो करना पड़ेगा, रेंट करा के सेटअप करनी पड़ेगी, मशीन लगानी पड़ेगी, एसी लगाना पड़ेगा और वहां पे उसके ऑपरेशन को, सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये बैंक को पहले तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उसकी मैनेजमेंट के साथ, मेंटेनेंस के साथ सिक्योरिटी वगैरह रखनी पड़ती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बैंक्स होती है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अब HDFC बैंक होगी, अब HDFC बैंक मेरे गांव में आके मुझे सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती। मेरे गांव में एक कोऑपरेटिव बैंक है, एक छोटी सी कोऑपरेटिव बैंक है, और पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सर्विस मिल जाती है, और छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि HDFC आके मेरे गांव में वहां पे ATM लगाए। तो क्या करेंगे, वहां आते हैं व्हाइट लेबल ATMs, यानी कि प्राइवेट ATMs आते हैं। तो इन प्राइवेट ATMs में वो लोग ही जगह को हायर करेंगे, वो लोग ही मशीन को सेटअप करेंगे, वो लोग ही वहाँ पे AC लगवाएंगे, सिक्योरिटी को लगवाएंगे और जहाँ चाहिए वहाँ पे रख देंगे। समझ लीजिए मेरे गांव, राइट, इन माय विलेज, छोटा सा विलेज है 5000 पॉपुलेशन वाला, तो वहाँ पे उन्होंने ATM लगा दिया प्राइवेट वाला। तो वहाँ से अब मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ किसी भी, जैसे इन एनी अदर ATM आई कैन विड्रॉ इन दीज व्हाइट लेबल ATMs ऑल्सो। दैट इज वाई RBI अलाउस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैंकों को काफ़ी हैसल होती है इनको मेंटेन करने में, कई बार ऐसा है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इट इज़ नॉट लुक्रेटिव फॉर देम, तो वहाँ पे प्राइवेट ATMs चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलाउड है इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो व्हाइट लेबल ATMs है वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, सारी सर्विसेज वहाँ पे भी अवेलेबल होती है, जैसे दूसरी ATM में सर्विस होती है कि मैं कैश तो निकाल ही सकता हूँ, बट बहुत सारे व्हाइट लेबल ATMs में आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैश डिपॉजिट करना भी मिलेगा, बिल पेमेंट, मिनी स्टेटमेंट वगैरह भी आप कर सकते हो। मोर और लेस सभी तरह की फैसिलिटीज वहाँ पे भी अवेलेबल करा दी जा रही है आजकल, राइट। ऑल दो पहले केवल कैश ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, बट नाउ यू कैन गेट ऑल दी ऑपरेशंस। आप अपना पिन चेंज भी कर सकते हो, आप अपना मिनी स्टेटमेंट वगैरह, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हो। सो वेरी सिमिलर टू एनी ब्राउन लेबल ATM, यू कैन ऑपरेट दी व्हाइट लेबल ATM ऑल्सो। अब सवाल ये उठता है, हाउ आर दीज व्हाइट लेबल ATMs डिफरेंट? तो आपको जानना है, दे आर नॉट डिफरेंट एट ऑल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाइट लेबल ATMs। कई बार मिसकॉन्सेप्शन आपको ये होती है कि यार इसके ऊपर बैंक का नाम नहीं है तो मैं उस ATM में जाऊं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हाइट लेबल ATMs में भी जा सकते हो। एब्सोल्युटली सिमिलर टू योर ब्राउन लेबल ATM या फिर बैंक का ATM होता है, वैसे ही होते हैं, जो भी चार्जेस है वहां पे वही है। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप मेट्रोपोलिटन सिटीज में रह रहे हो तो आपको फ्री ट्रांजेक्शन कम मिलते हैं, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में आपको ट्रांजेक्शन फ्री ज़्यादा मिलते हैं। 5 ट्रांजेक्शन अगर आपको फ्री है तो वो अप्लाई करता है एट दी व्हाइट लेबल ATMs ऑल्सो, प्लीज रिमेंबर। यानी कि अगर आप 5 बार पैसा निकालो या फिर अपना बैलेंस भी चेक करो, वट दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन, 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन मिला है तो व्हाइट लेबल इस पर भी अप्लाई करता है। इट ऑल्सो अप्लाइज एन ऑन यूज एंड ऑफ यूज ट्रांजेक्शन। ऑन यूज ट्रांजेक्शन मतलब आपकी खुद की बैंक में जब आप करते हो, अगर मेरे पास SBI का कार्ड है तो अगर मैं SBI के ATM में ही जाऊंगा, इट इज ऑन यू ट्रांजेक्शन, और मुझे ये 5 बार में फ्रीली कर सकता हूँ। और ये जो ऑफ यू ट्रांजेक्शन है, ऑफ यू ट्रांजेक्शन भी होते हैं, यानी कि दूसरों के बैंक में, अगर मेरे पास SBI का कार्ड है तो मैं किसी और ATM में जा सकता हूँ, समझ लीजिए 3 बार मेरे पास फ्री ट्रांजेक्शन है, तो ये अप्लाई करते हैं व्हाइट लेबल ATMs के लिए भी, प्लीज रिमेंबर दैट, सेम रूल्स अप्लाई फॉर दैट। अब व्हाइट लेबल ATM में क्या मुझे चार्जेस ज्यादा देनी पड़ती है? एब्सोल्यूटली नो। व्हाइट लेबल ATMs द ट्रांजेक्शन ऑल्सो सेम। जो आपको दूसरे ATM में चार्ज किया जाएगा, ब्राउन लेबल ATM हो गया, वही चार्ज आपको वहां पे भी किया जाएगा। अभी फिलहाल अगर आप अपनी फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट के बाहर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको मैक्सिमम जो पे करना पड़ता है वो है ₹20 प्रति ट्रांजेक्शन प्लस जो टैक्सेस लगती है। तो आपने किया भी होगा, अगर आप अपना स्टेटमेंट निकाल के देखिए, अगर आप बहुत बार ATM इस्तेमाल करते हो महीनों में, तो आपको ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है। आपके होम ब्रांच में भी, यानी कि अगर मैं SBI का कस्टमर हूँ, 6वीं बार जब मैं ATM जाऊँगा, SBI के ATM भी जाऊँगा, तब भी मुझे ट्रांजेक्शन
पे करनी पड़ती है. द सेम अप्लाइज टू व्हाइट लेबल एटीएम्स आल्सो. ऑलराइट, यानी कि 5 फ्री के बाद आपको व्हाइट लेबल एटीएम में भी वही चार्ज देना पड़ेगा. अब सवाल यह है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो पैसा ही नहीं आया, पैसा कट गया लेकिन पैसा आया नहीं, पैसा आया पैसा अंदर चला गया, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है. तो अगर ट्रांजैक्शन फेल हो रही है तो सबसे पहली चीज़ तो है आपको जल्द से जल्द कंप्लेंट लॉन्च करानी है वहाँ पे. ऑल्दो ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है, रिवर्स हो जा रहा है आजकल, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर एटीएम फेलियर की वजह से आपका पैसा कट गया है और आपकी रेजोल्यूशन नहीं हुई, आपका अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा नहीं है, तो अपनी कंप्लेंट आपको लॉन्च करनी है और 5 कैलेंडर दिन के भीतर आपकी जो फेल ट्रांजैक्शन है उसका पैसा आपको वापस आ जाना चाहिए. अगर नहीं आया तो बैंक्स के ऊपर फाइन लगेगा 100 रुपए प्रतिदिन फॉर अ डीले. 5 दिन के बाद एवरी डे 100 रुपीज उन्हें आपको देने पड़ेंगे अगर वो आपके पैसे वापस नहीं करेंगे. और यही रूल अप्लाई होता है व्हाइट लेबल एटीएम्स के लिए भी. इनफैक्ट व्हाइट लेबल एटीएम्स को एक और स्पेशल चीज बताई गई है. व्हाइट लेबल एटीएम्स दे हैव टू डिस्प्ले ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंसर्न ऑफिसर्स ऑफ द पीपल ऑफ द टोल फ्री नंबर. अगर आपका एटीएम ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा तो वहां पे आप रजिस्टर करा दोगे आपकी जो भी कंप्लेंट है, राइट. तो वहां पे इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ या फिर एटीएम में वहां पे डालना चाहिए कंपलसरी. तो ये है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट लेबल एटीएम्स. अब हम लोग सिंपल डिफरेंसेस यहां पे देखेंगे. ब्राउन लेबल एटीएम आपको ध्यान रखना है. ब्राउन लेबल एटीएम वो है जो बैंक खुद ओन करता है लेकिन एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया गया है उसकी ऑपरेशन. और ब्राउन लेबल एटीएम में केवल बैंक इज इन्वॉल्व, प्लीज रिमेंबर. और इस ब्राउन लेबल एटीएम में उस बैंक का लोगो रहेगा, प्लीज रिमेंबर दिस. तो यहां पे केवल बैंक इन्वॉल्व है, लेकिन यहां आप पहुंच जाओगे तो यहां पे आरबीआई इज ऑल्सो इन्वॉल्व, प्लीज रिमेंबर दिस. अगर एक व्हाइट लेबल एटीएम मुझे बनाना है सबसे पहले तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगा, अप्लाई करूंगा. आरबीआई जब अप्रूवल देगा तभी मैं अप्लाई करूंगा. आरबीआई की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है तभी वो हमें लाइसेंस देंगे. मुझे प्लेज करना पड़ेगा कि मैं टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 छोटी छोटी सिटीज में भी प्रोवाइड करूंगा सर्विसेज, ऑलराइट, तभी मुझे लाइसेंस मिलेगा. और इस साल जनवरी से तो आरबीआई डायरेक्टली पैसा भी दे रहा है. पहले ऐसा होता था कि अगर मैं एक व्हाइट लेबल एटीएम बना रहा हूं तो मेरा एक स्पॉन्सर बैंक होना चाहिए था, तो उस स्पॉन्सर बैंक से मुझे कैश मिलता था और दूसरी सारी फैसिलिटीज मिलती जो भी मुझे मदद चाहिए. लेकिन अभी फिलहाल इवन दीज कंपनीज कैन डायरेक्टली गेट कैश फ्रॉम आरबीआई फॉर देयर एटीएम ऑपरेशंस. प्लीज डू रिमेंबर दिस, ये रिसेंट की डेवलपमेंट है. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे गांव में एटीएम नहीं था, मैंने आपसे कहा कि मेरे गांव में एक व्हाइट लेबल एटीएम किसी ने लगा दिया है, ठीक है, व्हाइट लेबल एटीएम जहां पे 5000 पॉपुलेशन है वहां पे उन्होंने एटीएम लाके लगा दिया, एक जगह रेंट पे ले ली, सब कुछ करा दिया, सब कुछ सेटअप. तो भाई इस व्हाइट लेबल एटीएम वाले को क्या फायदा मिल रहा है, कैसे उसको उसका बिजनेस मॉडल कैसे चल रहा है? देखिए व्हाइट लेबल एटीएम में जब भी किसी भी बैंक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो. व्हाइट लेबल एटीएम में अगर आप एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, कोई भी यहां पे जा सकता है और पैसा निकाल सकता है. और जिस किसी बैंक का कार्ड यहां पे इस्तेमाल होगा वो बैंक वाले इस व्हाइट लेबल एटीएम को उस ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज करें, कस्टमर के ऊपर कुछ नहीं लगेगा. तो इनका रेवेन्यू मॉडल कैसा है कि व्हाइट लेबल एटीएम आप बनाओगे तो किसी भी बैंक का आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए. ये जो बैंक है जहां पे ट्रांजैक्शन चल रही है, समझ लीजिए आईसीआईसीआई है, तो आईसीआईसीआई वाले व्हाइट लेबल एटीएम वाले को एक ट्रांजैक्शन के लिए इतना रुपए देंगे करके एग्रीमेंट में रहेगा. दैट इज द रेवेन्यू मॉडल ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम्स. तो आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर फॉर यू. व्हाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम में अंतर क्या है, एक सवाल भी दिया था मैंने शुरुआत में, उसका जवाब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा व्हाट वॉज द करेक्ट आंसर फॉर दैट. आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.